सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से, मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल डॉक्स में टेबल की जो सेल होती है उसकी हाइट या विड्थ कम या ज्यादा कैसे करते हैं। ठीक है, गूगल डॉक्स पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गूगल डॉक्स का पेज ओपन है और यहाँ पर देखिए हमने ये छोटी सी टेबल क्रिएट की हुई है। अब मान लीजिए कि इसमें जो सेल है इसकी हाइट कम या ज्यादा करनी है या विड्थ कम या ज्यादा करनी है, तो सेल में बीच में कहीं पर भी क्लिक करिए और यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करने के बाद हमको जाना है ये देखिए टेबल प्रॉपर्टीज पे, टेबल प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं, कॉलम विड्थ एंड मिनिमम रो हाइट। ठीक है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ये सेंटीमीटर्स में है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, डायमेंशन सेंटीमीटर्स। ठीक, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, यहाँ पर भी 4 ले लेता हूँ। ठीक है, सेल पैडिंग भी यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से देखिए मैंने ओके पे क्लिक किया और आप देखेंगे कि जो भी मॉडिफिकेशन मैंने वहां पर करी है वो यहाँ पर आने लगी। तो इस तरीके से जो टेबल की जो सेल है उसकी हाइट और विड्थ जो है वो कम या ज्यादा आप कर सकते हैं गूगल डॉक्स में।